आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिया गया है एक लंबा पिरामिड, लंबा पिरामिड का आधार हमें दिया गया है वर्गाकार है, आधार के विकर्ण की लंबाई 24 वर्गमूल 2 मीटर है। यदि पिरामिड का आयतन 1728 घन मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या है, ये पिरामिड दिया गया है। अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड का आयतन देख लेते हैं। पिरामिड का आयतन बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है हमारे पास 1/3 गुना आधार की त्रिज्या, यहाँ पर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, गुना आधार का क्षेत्रफल और इसमें हम गुणा कर देते हैं इसकी ऊंचाई की, गुना ऊंचाई, ये हमारे पास होता है पिरामिड का आयतन। देखिए हमारे पास सबसे पहले निकालना क्या है, निकालना है आधार का क्षेत्रफल और आधार पर एक वर्गाकार पिरामिड है, तो वर्गाकार का मतलब इसका एक वर्ग दिया गया है जिसका एक विकर्ण है। इस तरह से यहाँ पर एक वर्गाकार भाग है जिसका एक विकर्ण दिया गया है। इस विकर्ण की लंबाई हमें दी गई है यहाँ पर, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो विकर्ण होता है वर्गमूल 2a। ए क्या है, यहाँ पर भुजा दी जाती है, ए क्या है, भुजा, तो बराबर दी गई है हमें 24 वर्गमूल 2 के, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 चला जाएगा तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 24 मीटर के। तो हमारे पास ए का मतलब क्या रहा है, ए का मतलब रहा है आधार की भुजा, आधार मतलब यहाँ पर वर्ग की भुजा है। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पर वर्ग का आधार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी 24 का वर्ग। अब हमें आयतन निकालना है तो आयतन बराबर किसके हो जाएगा, आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी 24 का वर्ग, 24 का वर्ग तो 24 गुना 24 लिख सकते हैं, गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, ये नहीं दी गई है, हमें निकालनी है, तो बराबर गुना एच के और बराबर हमें दिया गया आयतन, आयतन दिया गया 1728, तो ये बराबर हो जाएगा 1728। तो यहाँ से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से सोल्व करेंगे, तो h बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यानी ऊंचाई, तो 1728 गुना 3/24 गुना 24, तो 24 गुना 24 में अगर हम यहाँ से 6 से काटते हैं तो 4 बार जाता है, 6 से इसको भी काट लेंगे, 6 से इसको काटते हैं तो 6 × 12 हो जाएगा, 5 बचेगा 2, 6 × 6 = 42, तो 48 जाने के बाद हमारे पास फिर 4 बचेगा और 6 × 6 = 48 हमारे पास आ जाएगा, तो 48। अब हम इसको 4 से फिर काट सकते हैं, 4 से अगर हम इसको काट देंगे 4 × 7 = 28 और 4 × 8, तो ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा 72 × 3/24, 72 × 3/24 और 3 से काटते हैं तो 8 बार जाता है, 8 से काटते हैं तो 9 बार जाता है, तो h यानी ऊंचाई बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 मीटर, जो प्रश्न में हमारा उत्तर रहा है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था, ऊंचाई पूछी गई थी जो कि हमारा 9 मीटर है, यही इस प्रश्न का उत्तर है, हम कह सकते हैं ऊंचाई है हमारे पास 9 मीटर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।